प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियसली आए हुए हैं IIT के एग्ज़ाम के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने वो क्वेश्चन करे थे जो कभी ना कभी मेडिकल के एग्ज़ाम के अंदर आए थे। आज जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे IIT के एग्ज़ाम के अंदर या इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के अंदर कभी ना कभी आए हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जो हमारा टाइम डिपेंडेंस है एक फिजिकल क्वांटिटी का पी इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर अल्फा टी, यानी कि पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी। हम लोगों को ये रिलेशन देख के रखा हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे अल्फा जो है वो एक तरह का कांस्टेंट है, क्लियर है, और टी यहाँ पर टाइम है, ठीक है। तो हमें बतानी है कि जो अल्फा है वो क्या है या उसके डायमेंशन क्या है। तो अल्फा की हम लोगों को क्या बतानी है, डायमेंशन हम लोगों ने बतानी है क्या है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जो पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है, वो हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, उसका कभी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता, क्लियर है, उसका कभी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। अब देखो जब पावर की बात करें तो यानी कि ई की पावर माइनस अल्फा टी थी, ये जो पावर थी ये क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। ये पावर जब डायमेंशन लेस है तो अल्फा टी की पावर क्या हो, ये अल्फा टी एम जीरो एल जीरो टी जीरो होगा। अब टी यहाँ पर टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी स्केयर हो गया, इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, या अल्फा इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाय टी स्केयर। अल्फा की जो डायमेंशन आई वो टी की पावर माइनस टू आ गई, यानी कि एज अ डायमेंशन ऑफ टी माइनस टू। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट होता है, क्लियर है बच्चों। एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करके ये सारा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एज ई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्साइलन नॉट, ठीक है ना, यूज द डायमेंशन एनालिसिस टू डिटरमाइन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द डब्ल्यू पी। डब्ल्यू पी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर वर्ड क्या क्या है। डब्ल्यू पी यहाँ बता रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, क्या बता रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा है एक्चुअल में, ऐसे ओमेगा होता है, ठीक है ना। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगल होता है और टाइम थीटा। अब थीटा जिसमें मेजर करते हैं वो रेडियन में है, टाइम सेकेंड में, तो रेडियन हमारा डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। टाइम की डायमेंशन देखेंगे तो वो आ जाएगी टी की पावर वन, यानी कि ओमेगा की डायमेंशन देखेंगे वो टी की पावर माइनस वन, यहाँ इसका डायमेंशन होगा। इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज की जो डायमेंशन है वो एम्पेयर इनटू में टाइम होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्साइलन नॉट की बात कर रहा है, एप्साइलन नॉट की डायमेंशन अभी निकालते हैं हम लोग, इन दोनों को हम लोग कंबाइन निकालेंगे। और यहां पर एन जो बता रहा है वो नंबर डेंसिटी बता रहा है, एन क्या बता रहा है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमेंशन लेस होता है, और ये हो गया वन अपॉन में एल क्यूब, यानी कि एन का जो डायमेंशन हम लोगों को मिला वो मिला एल की पावर माइनस थ्री, क्लियर है। अब हम लोगों को फॉर्मूले में पता है कि एफ इज इक्वल टू वन अपॉन में फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्केयर, या एफ इलेक्ट्रॉन के लिए बोला, इलेक्ट्रॉन के लिए बोला तो ये ई स्केयर,
अपॉन में आर स्केयर हो गया, यानी कि ई स्केयर अपॉन में एप्साइन नॉट, ई स्केयर अपॉन में एप्साइन नॉट हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू में आर स्केयर इंटू में 4 पाई। यानी कि ई स्केयर अपॉन में एप्साइन नॉट के डायमेंशन देखेंगे तो m1 l1 t-1, ये तो फोर्स का हो गया। रेडियस का डायमेंशन एल स्केयर हो जाता है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो ई स्केयर अपॉन में एप्साइन नॉट का जो डायमेंशन है वो आ गया m1 l3 t-2, बेटा t-2 है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या कहा है कि उसने कि जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की पावर ए के, ई इलेक्ट्रॉन है चार्ज है, चार्ज की पावर बी के, एप्सिलॉन नॉट की पावर सी के, और हमारा लास्ट में बच गया मास, मास की पावर डी के। यानी कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो चार वेरिएबल हैं, चार वेरिएबल के लिए चार इक्वेशन बनेगी, चार इक्वेशन बनती है तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं कि बारी बारी यहाँ पर इन सभी ऑप्शन के अंदर एन ई एम बाई एप्सिलॉन नॉट, एम ई एन ई एप्सिलॉन नॉट, एन ई स्केयर एम एप्सिलॉन नॉट होल रूट एम एप्सिलॉन नॉट एन, इन सब के अंदर बारी बारी एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, और जिसका डायमेंशन हमारे पास टाइम के इक्वल आता है यानी कि इसका डायमेंशन टी इनवर्स है, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम लोग जो हमारा ऑप्शन सी है उसके अंदर डायमेंशन वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, या तो सी या डी, क्योंकि हमने ई स्केयर में एप्सिलॉन नॉट ये डायमेंशन एमएलटी की फॉर्म के अंदर आ रही है। अगर एप्सिलॉन नॉट और ई देखेंगे तो यहाँ एम्पियर आएगा, यहाँ पे भी एम्पियर आएगा, कट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले दो ऑप्शन को हम लोग छोड़ देंगे, तीसरे ऑप्शन से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो एन का जो डायमेंशन है, एन का डायमेंशन l-3, एन ई ई स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अभी निकाला m1 l3 t-2, ठीक है बेटा। ये दोनों का डायमेंशन और नीचे मास आ गया, मास का डायमेंशन m1, m से m कट गया, l की पावर 3 से l की पावर -3 कट गया, यानी कि यहाँ पे आ गया रूट t की पावर -2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है t की पावर -1, यानी कि हम लोगों ने सॉल्व करा एन ई स्क्वायर अपॉन में एम एप्सिलॉन नॉट पूरे का होल रूट, इसकी जो डायमेंशन आई वो t की पावर -1 आई, और ये WP यानी कि t की पावर -1 के इक्वल ही होता है। क्लियर है बच्चों, यानी कि हमारा जो ऑप्शन था वही हमारा करेक्ट है। फंडा क्लियर है, एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाना चाहते हैं। तो इक्वेशन चार बनती है, चार इक्वेशन बनने का मतलब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत लेंथी हो गया, और ऐसा क्वेश्चन करने में या इस तरह से क्वेश्चन करना बेवकूफी भरा होता है। जब बात आईआईटी की आती है तो यहाँ पर हमेशा शॉर्ट ट्रिक फॉलो होती है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को दे रखी है, जेई 2013 का क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट डिपेंड जो डिनोट कर रहा है वो परमिटिविटी बता रहा है फ्री स्पेस के अंदर या वैक्यूम के अंदर। मास एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल लेंथ को, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें डायमेंशन बताना है एप्सिलॉन नॉट का, तो फोर्स का फॉर्मूला पता है 1/4 π ε0 q1 q2 / r² या एप्सिलॉन नॉट देखेंगे 1/4 π f q1 q2 / r². क्लियर है। अब फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, m1 l1 t-2। चार्ज की डायमेंशन एम्पेयर इंटू में टाइम, 2 बार ही है एम्पेयर इंटू में टाइम, r रेडियस है तो एल स्केयर। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि ये एम्पेयर स्केयर टी स्केयर ऊपर आ गया, नीचे आ गया m1 l1 2 3 l3 t-2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो m की पावर ऊपर जाएगा तो -1, l की पावर ऊपर जाएगा तो -3, t की पावर ऊपर जाएगा तो +2, +2 कितना हो गया t4 a²
ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा ऑप्शन -1 L-3 T4 A-2 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो देखने पर ऐसा लगता नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि कहता है कि यहां पर एक ई स्टैंड फॉर कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड को, और बी यहां पर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है? तो हम लोगों को ई और बी में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो इस टाइम के ऊपर आप लोग ध्यान में रखना कि जो रिलेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ई इज इक्वल टू बी सी। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड और सी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? अब ऊपर वाले फॉर्मूले में देखते हैं तो ई एज अ डायमेंशन की तरह यूज कर रखा है, बी भी एज अ डायमेंशन की तरह यूज कर रहा है, सी की डायमेंशन L1T-1 होता है। ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी करेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और देखोगे कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। हम लोग रूटीन में हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले को पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि एप्साइलन नॉट और म्यू नॉट। अब एप्साइलन नॉट जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, परमिटिविटी को बता रहा है। हमने 10th क्लास में ये पढ़ा है। और म्यू नॉट भी बता रहा है परमेबिलिटी। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पढ़ते हैं तो परमेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चार्ज से एसोसिएट प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिज्म से एसोसिएट प्रॉपर्टी है, या मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएट प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि भाई डायमेंशन वाइज इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन देखते हैं कि जो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट वो होता है म्यू नॉट एप्साइलन नॉट के इक्वल। ये सी स्टैंड फॉर कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के, यहाँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 में म्यू नॉट एप्साइलन नॉट, और म्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास 1/2 में एप्साइलन नॉट सी स्क्वायर, या म्यू नॉट हमारे पास आ जाएगा एप्साइलन नॉट की पावर -1 सी की पावर -2। तो म्यू नॉट डायमेंशन, एप्साइलन नॉट की पावर -1, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है L T-1। ठीक है बेटा, और उसका भी -2। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट और एप्साइलन नॉट की पावर -1, पावर अंदर ले आएंगे देखो तो एल की पावर -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो टी स्केयर। ठीक है बेटा, अगर ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो हमारा ऑप्शन देखेंगे म्यू नॉट, अच्छा यहाँ पावर -1 नहीं है तो ये हट गया, -1 में एक ही आ रहा है एल माइनस एप्सिलॉन की पावर -1 एल स्केयर टी -2, नहीं टी -2 नहीं प्लस का 2 आना चाहिए। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट -1 एल की पावर -2 टी स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर है बच्चों, बात क्लियर हुई? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं आईटी के ऊपर, क्वेश्चन बड़े ही आसान आते हैं, कभी भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता। बस आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जो फंडा क्लियर कर लेगा उसके लिए बिल्कुल आसान रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है, कि अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तो उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कितने होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बारी कर लीजिएगा, बुक कोई भी रेफर करो, क्वेश्चन करके देखो, कोई डाउट हो तो आप लोग शेयर करो। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू एक बारी। हाँ, इन सारे के सारे क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ।
ठीक है।